वेलकम टू न्यूज टीवी 99। अच्छकुंड पोलीस कमिश्नर महेश भगवत मरियु वनस्थलीपुरम पोलीसुलु कलिसी ओरिस्सा राजस्थान नुंडी वलस वच्ची इंजापूर लो उन्ना स्कूप ऐस्क्रीम कंपनी लो पनि चेस्तुन्न कार्मिकुलकु नित्यावसर सरकुलनु पंपिणी चेयडं जरिगिंदी। ई संदर्भंगा सीपी मात्लाडुतू तेलंगाणा राष्ट्र मुख्यमंत्री गारु राजस्थान ओरिस्सा मरे इतर राष्ट्राल वलस कार्मिकुलनु आदुकोवालने बाध्यतगा ई कार्यक्रमं चेपट्टामनि तेलिपारु। ई संदर्भंगा सीपी महेश भगवत गारिकी वनस्थलीपुरम पोलीस सिब्बंदिकी वलस कार्मिकुलु प्रत्येक कृतज्ञतलु तेलिपारु। तीन चार साल बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ दोबारा। पहले हरित हरम प्रोग्राम में हमने प्लांटेशन किया था यहाँ पे और उस समय फैक्ट्री की भी विजिट की थी। अभी जो लॉकडाउन आप सबको मालूम है, अभी ये सेकंड लॉकडाउन है अपने तेलंगाना स्टेट का, 7 मई तक है। थर्ड लॉकडाउन का ऑलरेडी प्रधानमंत्री साहब ने उसके बारे में अनाउंस किया है और थर्ड लॉकडाउन जो है हमारे केंद्र का 17 मई तक थर्ड लॉकडाउन केंद्र का रहेगा। हमारे स्टेट का उसके बारे में 5 तारीख को जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें उसके बारे में फैसला लिया जाए। इस पीरियड में आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन काफी नए नए केसेस हमारे नोटिस में अभी आ रहे हैं और ये जो एरिया आपका वनस्थलीपुरम एरिया, ये एरिया में भी अभी रेड जोन में है। रंगारेड्डी जिला और मेडिकल जिला रेड जोन के अंदर वनस्थलीपुरम एरिया पुलिस स्टेशन का एक टॉप में है, इसलिए आप लोगों को पक्का सावधानी बरतनी है। पक्का आप जो है बार बार हाथ धोना है, आपके मास्क कंपलसरी यूज करना है और जो सोशल डिस्टेंसिंग अभी आप जैसे खड़े हैं वैसा काम करते समय भी ये फासला बिल्कुल मेंटेन रखना है। कोई भी किसी चीज को आती है, खांसी है, बुखार है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना, वो कोई मेडिकल शॉप जाके एक टैबलेट दे दो, वो टैबलेट दे दो, ये सब चीजें मत कर, कोई चांस अभी लेना नहीं। सर्दी खांसी बुखार हाथ और पैर में जिसको दर्द हो रहा है, गले में खराश हो रहा है, इस तरह का जो सिम्टम बोलते हैं हम उसको, उन लोगों को इसके बारे में ज्यादा खतरा है। और जिनको डायबिटीज है, खासकर डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स है पक्का लेना चाहिए। अभी एक पता नहीं ये कब तक चलेगा, बट हमारी कोशिश पूरी तरह ये है कि जल्द से जल्द ये खत्म हो जाए और आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित रहिए, आपके काम को भी आप सुरक्षित आ सकते। जब काम के लिए भी जब आते हो, आते समय भी फैसला मेंटेन करो, खासकर आप जब बात करते एक दूसरे को मास्क निकालना नहीं, ये बात ध्यान में रखना। खाली खाना खाने के समय आप मास्क उतार दो, डिस्टेंस रखना खाना खाते समय, हमेशा जो है दिमाग में ये रखना कि किससे हो जाए। और घर जाने के बाद गांव से सबसे पहला गर्म पानी से नहाना है और हर दिन आप नए नए कपड़े, नए कपड़े यानी कपड़े धो के पहन के आइए। आज जो कपड़े पहने वो कल मत पहनो, कपड़े धो के आप दोबारा पहन के आइए, क्योंकि आप बाहर आ रहे हैं घर से और फिर घर जा रहे हैं, इसलिए वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके घर में बाकी जो लोग होंगे वो घर के अंदर ही होंगे, आप ही काले अकेले बाहर जा रहे हो घर से, इसलिए ये सावधानी लेना बहुत जरूरी है।